हे गाइस, दिस इज जेएस फ्रॉम फिट सिंह। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज ऐसी गल करांगे ऑल अबाउट फैट लॉस। असीं तुहानूं दस्सांगे या फिर समझावांगे कि हाउ द फैट लॉस जर्नी हैज़ टू बी और यू कैन स्टार्ट विद। ते टॉपिक शुरू करन तो पहले तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम ते सानूं फॉलो कर लो, फेसबुक का पेज लाइक कर लो, ते जिन्ने तुहाडे कॉमेंट्स या फिर जिन्ने भी तुहाडे क्वेश्चन या डाउट्स हैगे कॉमेंट्स दे विच लिखना ना भुलना। फैट लॉस दे विच सब तो इंपॉर्टेंट होंदी हैगी है अपनी डाइट। जिसा तुहानू पहले भी वीडियोस दस्या होया है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है। डाइट दे विच तुहाडा बैलेंस होना बहुत जरूरी होंदा हैगा, वैदर बी फॉर प्रोटीन और फॉर हेल्दी फैट्स और इवन फॉर कार्ब्स। ते कोशिश करया करो जो तुसीं अपनी फैट लॉस जर्नी करनी होवे ते तुसीं ओहदे विच हमेशा लीन प्रोटीन यूज़ करो। लीन प्रोटीन दे कुछ एग्जाम्पल्स होंदे हैगे है, जिदा चिकन हो गया। ओहदे विच फायदा यह होंदा है कि ओहदे विच फैट घट होंदा, सो यू गैट मोर ऑफ द प्रोटीन। बाकी होर भी सोर्सेज होंदे आ, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स या फिर ईजी एक्सैसेबल सोर्स। जिदा कहते हेल्दी फैट्स, जिदा हुण सारे तुसीं सोचोगे वेट लॉस दे हेल्दी फैट्स की करन आ गए। फैट ऑलरेडी बंदा आपे डर जांदा हैगा, बट नहीं, हेल्दी फैट्स दे भी अपना रोल होंदा हैगा। ते जिदा हेल्दी फैट्स वैसे तुसीं कई ऑप्शनस लै सकदे हो, जिदा पीनट बटर हो गया। अजकल तो सारे पसंद ही बड़ा आता पीनट बटर, सो ऑप्ट फॉर पीनट बटर। और फॉर यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर नट्स, विच आर वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। ते होर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होंदा हैगा, वैदर बी वट एवर योर जर्नी इज, वैदर बी फैट लॉस, तुसीं मसल पैक ऑन करना है, गेनिंग करनी है, जिहड़ा मर्जी तुसीं करना चाहो, ते ईवन जिहड़ा मर्जी करना चाहो, सब तो इंपॉर्टेंट होंदा हैगा पानी पीना। यू नीड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर। वैन आई सी अ लॉट, तुसीं 20 लीटर की बोतल कट्ठी मुँह नहीं लगा लेनी। ते यू जस्ट हैव टू कंज्यूम इनफ वाटर फॉर योर सैल्फ। पानी के बहुत फायदे होंगे, तुहाडे स्किन वास्ते वधिया होंगे है, क्योंकि देखो फिट होना इट्स नॉट ओनली नैसेसरी कि तुहाडी फिजीक वधिया होए। यू नीड टू हैव अ गुड फेस, यू नीड टू हैव गुड ग्लो, ते डेफिनेटली यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर। ते ऐसे हो गए एक्सटर्नल दी बेनीफिट्स। इंटरनल बेनीफिट्स, तुहाडा मैटाबोलिज्म हो स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। जिन्ना वधिया होएगा उन्ना तुहाडी बॉडी वधिया रिएक्ट कर पाएगी, तुसी अपने गोल वल ज़्यादा ईजीली मूव ऑन कर पाओगे। एक होर चीज़ लोगों के ना मिथ बहुत होंगी है, एवरीबडी हैव अ मिथ दैट कि सानू मील स्किप करने पैणगे। स्पेशली काफ़ी लोग तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे। वाई यू नीड टू स्किप योर ब्रेकफास्ट, क्यों कर दे इदा? बहुत गलत मिथ है। खाना छड़ के यू जस्ट गोइंग टू हार्म योर सैल्फ। ते डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्किपिंग अ मील। खाना ही है, इट्स ओनली द डाइट हु इज़ गोइंग टू डिसाइड एंड हु इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू मूव टवर्ड्स योर गोल। थोड़ा खाओ बट खाना जरूरी है, डोंट स्किप योर मील्स प्लीज़, दिस इज़ वेरी बैड। ते मोस्ट इंपॉर्टेंटली हुण जिदा काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते, ऑन द अदर हैंड असी कहांगे वी वुड से हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट जिदे विच तुहाडा प्रॉपर ब्लेंड जोन, जिदे विच तुहाडे पूरा एक, बिकॉज यू गोइंग टू स्टार्ट योर डे। तुसीं अपना एक दिन स्टार्ट तो नहीं कर सकते विद हैविंग नथिंग और हैविंग समथिंग वेरी लूज और लाइट। तुहाडे कोल पूरा दिन होंदा, हाउ वुड यू मैनेज द होल डे? सो हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुहाडे हर एक मील दे विच तुहाडा प्रोटीन होना चाहिए, तुहाडा कार्ब होना चाहिए, तुहाडे फाइबर होने चाहिए। हुण एक होर गल है, कई लोग कि प्रोटीन कुछ ज़्यादा वधावा देंदे कि दे जस्ट टेन टू टॉक अबाउट मोर प्रोटीन, बट प्रोटीन डाइजेस्ट कितना किया जाता है? यू नीड टू हैव दोज फाइबरस टू अलाउ योर गट टू डाइजेस्ट। तुहानू फाइबर लेने पैंदे ताकि तुहानू गट इशूज़ ना हो, तुहाडी डाइजेशन प्रॉब्लम ना आए। हुण मोस्टली देखा जाता है दैट पीपल ऑलवेज टेन टू टॉक अबाउट प्रोटीन, बट तुसीं इन्ना सारा प्रोटीन लैते रहो, उन्होंने डाइजेस्ट कितना करना, अपनी बॉडी नू फंक्शन कितना कराना,
So one of the source to get that thing going smoothly is by having fiber into your diet. ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਾਈਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਲਪ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਧਿਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਧਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਵੱਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਬਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਫੈਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਟਸ ਲਾਈਫ ਯਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੋਪ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਟ। ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ ਦ ਲੈਵਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਟ ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਵਰਕਆਊਟ। ਹੁਣ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਟ ਲੋਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵਰਕਆਊਟ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਟੂ 1 ਆਵਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਯੂ ਬੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੋਰ। ਸੋ ਜਸਟ ਐਡ ਅਮ ਸਮ ਕਾਰਡੀਓ। ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਈਜ਼ੀਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਡੀਓ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਡਾਇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਮ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਆਊਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫੋਲੋ ਅਸ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਲਾਈਕ ਅਸ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ।